हेलो स्टूडेंट्स, टुडे विल बी स्टार्ट अवर चैप्टर 6। तो आज हम स्टार्ट करते हैं संस्कृत का षष्ठ पाठाकरण कारकम तृतीय विभक्ति। करण कारकम में कर्ता जिस साधन से कार्य करता है उसे करण कहते हैं। कर्ता जिस साधन से, साधन जिस साधन में जिस वस्तु की सहायता से वह कोई कार्य करता है उसे करण कहते हैं। जैसे बाल छात्रा कलम से लिखती है तो किसकी सहायता से लिखती है? कलम की सहायता से। बच्चे पैरों से चलते हैं तो किसकी सहायता से चलते हैं? पैरों की सहायता से। छात्रा आंखों से देखती है तो किसकी सहायता से देखती है? आंखों की सहायता से। मीन्स कोई भी कार्य जिस वस्तु की सहायता से आप करते हैं उसे करण कहते हैं। करण कारकम में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। इसमें विभक्ति कौन सी लगती है? तृतीय विभक्ति की। इसमें करण कारक में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है और इसका कारक चिन्ह होता है से, के साथ और के द्वारा। कारक चिन्ह क्या है इसके? से, के साथ और के द्वारा, ये इसके कारक चिन्ह हैं। तो आपकी डेफिनेशन क्या हुआ, क्या हुई? कर्ता जिस साधन से या जिस वस्तु की सहायता से कोई कार्य करता है उसे करण कहते हैं। करण कारकम में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है और इसके कारक चिन्ह होते हैं से, के साथ और के द्वारा। अब आप देखेंगे एग्जाम्पल, जैसे बालिका कंदुकेन क्रीडन्ति, इसका हिंदी अनुवाद हुआ बालक गेंद से खेलता है। तो किसकी सहायता से खेलता है? कंदुकेन मीन्स गेंद से। कौन खेलता है? बालक। क्रीडन्ति मीन्स खेलता है, तो खेलता है किसकी सहायता से? कंदुकेन मीन्स गेंद की सहायता से या गेंद से खेलता है। ये से हुआ आपका कारण चिन्ह। इसके बाद अकारांत पुल्लिंग और अकारांत स्त्रीलिंग शब्द का तीनों वचनों में प्रयोग कैसे होता है और उसमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग कैसे होता है ये देखिए। ये है, हमने शब्द लिया बालक, ये है आपका अकारांत पुल्लिंग शब्द। तो इसमें तृतीय विभक्ति लगाएंगे और इसका एक वचन, द्विवचन और बहुवचन रूप हुआ तृतीय विभक्ति में बालकेन, बालकाभ्याम और बाल कई। इसके बाद अकारांत स्त्रीलिंग शब्द हमने लिया बालिका, तो इसमें भी तृतीय विभक्ति का प्रयोग होगा और इसका एक वचन रूप होगा बालिकया, बालिकाभ्याम द्विवचन और बहुवचन में ये आएगा बालिका भी। इस प्रकार आपने देखा करण कारक किसे कहते हैं, उसमें किन किन चिन्हों का प्रयोग होता है और उसमें किस विभक्ति का, उसमें कौन सी विभक्ति लगाई जाती है। तो आप समझ गए होंगे कि कर्ता जिस साधन से जिस वस्तु की सहायता से कार्य करता है उसे करण कहते हैं। इसका कारक चिन्ह है से, के साथ और के द्वारा और इसमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। सो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर का हम एक्सप्लेन कर चुके हैं करण कारकम का। ये उसके अकारांत स्त्रीलिंग संज्ञा शब्द जो दिए हैं आपको रीड करना है। इसके बाद यहाँ पर वचन प्रयोग दिया है, मूल शब्द दिए, परिचारिका कन्या छात्रा चटका, जिसको आप रीडिंग करना। इसके बाद नेक्स्ट पेज पर 40 पेज पर आगे के शब्द दिए हुए, माला मुद्रा कुंजिका, जो आपको रीडिंग करना है। अब हम आपको बताते हैं संस्कृत सेंटेंस का हिंदी अनुवाद कैसे करना है और उसकी वर्ड मीनिंग। सबसे पहले ब्रैकेट में दिया है स्त्रीलिंगम एक वचन रूप, तो सबसे पहला पैराग्राफ देखते हैं हम। टॉपिक आप ध्यान से सुनिए, ऐसा का अस्ति। ऐसा मीन्स हम पहले भी बता चुके हैं, ऐसा मीन्स होता है यह। ऐसा मीन्स क्या होता है? यह। का मीन्स हुआ कौन, है अस्ति मीन्स है, तो ऐसा का अस्ति यह है, तो ऐसा का अस्ति इसका मतलब हुआ यह कौन है। ऐसा छात्रा अस्ति, यह छात्रा है। छात्रा किम करोति, किम मीन्स क्या कर रही है, करोति मीन्स कर रही है। छात्रा क्या कर रही है? छात्रा लिखती, छात्रा लिख रही है। छात्रा केन लिखन्ति, छात्रा किससे लिख रही है, केन मीन्स किससे लिख रही है, तो छात्रा कलमेन लिखती, छात्रा कलमेन लिखती, छात्रा कलम से लिख रही है। सेकंड पैराग्राफ, ऐसा का अस्ति, ऐसा का अस्ति, का मीन्स यहाँ पर हुआ कौन, यह कौन है। ऐसा अध्यापिका अस्ति, यह अध्यापिका है। अध्यापिका किम करोति, अध्यापिका क्या कर रही हैं, तो अध्यापिका लिखती, अध्यापिका लिख रही है। अध्यापिका कया लिखती,
अध्यापिका किससे लिख रही है? तो अध्यापिका श्वेत वर्णिका लिखती। श्वेत वर्णिका मीन्स होता है सफ़ेद चौक से, मीन्स सीधा सेंटेंस हुआ अध्यापिका चौक से लिख रही है, सफ़ेद चौक से लिख रही है। चलो अब आता है आपका द्विवचन सेंटेंस। द्विवचन सेंटेंस में सबसे पहली लाइन है, फर्स्ट लाइन है एते के स्तः, एते के स्तः। द्विवचन मीन्स दो, तो ये आपके पिक्चर्स में दिख रहे हैं दो रिक्शे। एते के स्तः, एते मीन्स होता है ये दो, ये दो कौन हैं? तो एते त्रिचक्री के स्तः, एते ये दोनों त्रिचक्र वाहन है। त्रिचक्र वाहन मीन्स रिक्शा, ये दोनों रिक्शा हैं। बाली के त्रिचक्री काभ्याम गच्छतः, दोनों बालिकाएं त्रिचक्र से जा रही हैं। और ऊपर ले दो, और नेक्स्ट पेज पर देखिए, 41 पेज पर ऊपर, ऐसा वाटिका अस्ति, ऐसा मीन्स यह, वाटिका मीन्स बगीचा, यह बगीचा या वाटिका है। नेक्स्ट लाइन, अत्र कोकिले कूंजतः, कोकिले मीन्स उन्होंने बताया था कोयल, यहाँ तो कोयल कूंक रही है, आप गुंजन कर रही हैं। बर्ती के तरता, बर्ती मीन्स हमने बताया था बक, बक तैर रहा है, या बक तैर, दो बतकें तैर रही हैं। चटके पक्षाभ्याम बहरत, चटकी मीन्स होता है चिड़िया, पक्षाभ्याम मैंने पंखों से, चिड़ियाएँ पंखों से बहरत मीन्स घूम रही हैं या गगन में बिहार कर रही हैं। महिले पादाभ्याम भ्रमतः, दोनों महिलाएं पादाभ्याम मीन्स अपने पैरों से, दोनों महिलाएं पैरों से, कीर्तः मीन्स घूम, कीर्त भ्रमतः मीन्स घूमना, तो दोनों महिलाएं पैरों से घूमती हैं। अब आता है नेक्स्ट लाइन, कन्ये कंदुकेन कीर्तः, कन्ये मीन्स कन्या है बच्ची, कंदुकेन, कंदुकेन मीन्स गेंद से, दोनों बच्चे कन्याएं गेंद से खेल रही हैं। अब आता है आपका बहुवचन लाइन, बहुवचन सेंटेंस। सबसे पहला सेंटेंस है ऐसा पाठशाला अस्ति, आपकी पिक में एक पाठशाला दिखाई दी, पिक बनी है स्कूल की, उसको देखिए, ऐसा पाठशाला अस्ति, यह पाठशाला है। अध्यापिका आगच्छन्ति, अध्यापिका आगच्छन्ति, अध्यापिकाएं, सभी अध्यापिकाएं बहुवचन है इसलिए सभी अध्यापिकाएं आती हैं। अध्यापिका भी सह प्रधानाचार्य अस्ति, सभी अध्यापिकाओं के साथ, सह मीन्स साथ, प्रधानाचार्य मीन्स प्रधानाचार्य प्रिंसिपल भी हैं। अत्र अनेका कक्षा प्रयोगशाला चा सन्ति, यहाँ अनेक कक्षाएं और चा मीन्स हुआ और प्रयोगशाला हैं। अत्र छात्राः विद्या पठन्ति, यहाँ छात्राएं, यहाँ सभी छात्र विद्या पढ़ने आते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ है, यस ऐसा एसटी क्रीड़ा अस्ति, नीचे पिक्चर्स में जो आपको बच्चे खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं हॉकी से, तो ऐसा एसटी क्रीड़ा अस्ति, एसटी क्रीड़ा मीन्स होता है हॉकी का खेल, यह हॉकी का खेल है। नेक्स्ट सेंटेंस, एसटी क्रीड़ा राष्ट्रीय क्रीड़ा अस्ति, हॉकी का खेल हमारा राष्ट्रीय खेल है। अत्र अनेका यष्टिकाः सन्ति, अत्र यहाँ अनेका मीन्स अनेक, अनेक हाकियाँ हैं। क्रीडिकाः यष्टिकाः भी क्रीडन्ति, हॉकी का खेल खेलते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ में आपके सामने एक पिक दी हुई है बगीचे की, ऐसा वाटिका अस्ति, यह वाटिका है। अत्र कलिकाः विकसन्ति, कलिका मीन्स होता है कली, फूल की जो कली होती है छोटी सी बड़, उसे बोलते हैं कली। तो यहाँ कली खिल, विकसन्ति मीन्स खिलती हैं, यहाँ सभी कली खिलती हैं। कलिका भी सुगंधा पिसरति, कलिका कलियों से सुगंध फैल रही, सुगंध मीन्स सुगंध, पिसरति मीन्स फैलना, सभी कलियों से सुगंध फैल रही है। ये हुआ आपका लेसन कंप्लीट, जिसके हमने हिंदी अनुवाद कंप्लीट कर दिया है और आपको समझा दिया है। सो आप अपने घर पर अच्छे से रीडिंग करना और उसका हिंदी अनुवाद करना।
अब आपका नेक्स्ट पैराग्राफ है नवीन शब्द कोश है, जिसमें आपकी संस्कृत की हिंदी अनुवाद दिए हुए, हिंदी अर्थ दिए हुए हैं। जैसे सबसे पहला दिया है यष्टि कीड़ा, यष्टि कीड़ा मीन्स होता है हॉकी का खेल। नेक्स्ट है कलिका, कलिका मीन्स कली बर्ड, जो छोटे से जैसे वो जो फूल की बॉडी होती है जिसे हम बॉडी बोलते हैं बर्ड कली। पक्षा अभ्याम, दो पंखों से। बाटिका मीन्स होता है बगीचा। श्वेत वर्ती कया मीन्स चौक से, जो वाइट कलर की चौक होती है उसे बोलते हैं श्वेत वर्ती कया। अब है नेक्स्ट स्टेप ध्वनि मुद्रिका, ध्वनि मुद्रिका मीन्स होता है कैसेट, कैसेट तो आप जानते हो जिसमें सॉन्ग होते हैं। इसके बाद आता है चटका, चटका मीन्स होता है चिड़िया, चिड़िया भी जानते हो आप। कुंजी का मीन्स होता है चाबी की। द्रव बर्ती का मीन्स होता है मोमबत्ती। और सरिका मीन, सारी का मीन्स होता है मैना। ये हुए आपके न्यू वर्ड मीनिंग जो कंप्लीट हो गए हैं, और इसे आपको अपनी कॉपी पर लिखना है, जो आपको अपनी कॉपी पर वर्ड मीनिंग लिखना है और कंप्लीट करना है। और ये हुआ आपका चैप्टर कंप्लीट, तो आपका वर्ड कंप्लीट हो गया। थैंक यू।